नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने श्री मंदिर में। अब तक हमने जाना कि धनतेरस कब और क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की कथा के बारे में और जानेंगे कि वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से महालक्ष्मी को एक किसान के घर में 12 वर्षों तक रहना पड़ा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। धनतेरस की पौराणिक कथा ये है कि क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु ने एक दिन मृत्यु लोक का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। देवी लक्ष्मी का भी श्रीहरि के साथ धरती पर आने का मन कर गया। भगवान विष्णु महालक्ष्मी को अपने साथ धरती पर लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि माँ लक्ष्मी को उनकी सारी बातों को मानना होगा और उनका पालन करना होगा। माँ लक्ष्मी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी के दर्शन करने के लिए आ गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर उन्हें वहीं उनकी प्रतीक्षा करने को कहा। ये कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी का मन नहीं माना और वह उनके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर चलने के पश्चात माँ लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया और वहां के पीले फूलों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना श्रृंगार सरसों के फूलों से किया और फिर आगे की ओर चल दी। आगे जाकर उन्हें गन्ने का एक खेत मिला। वहां रुककर उन्होंने गन्ने का रस पिया। भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा से लौटते समय माँ लक्ष्मी को गन्ने के खेत में देखा। अपने आदेश का उल्लंघन देख भगवान विष्णु क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि जिस किसान के खेत से उन्होंने फूल और गन्ने का रस लिया है, उसी किसान के घर पर रहकर उन्हें 12 वर्षों तक उसकी सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर वापस आ गए। 12 वर्षों तक देवी लक्ष्मी किसान के यहाँ रही और उसके घर को धन, अनाज और रत्नों से भर दिया। जैसे ही 13वां वर्ष लगा, श्राप पूरा हुआ और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए धरती पर आए। लेकिन किसान ने माँ लक्ष्मी को वापस भेजने से मना कर दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी तो चलायमान है, वह किसान के घर पर सिर्फ उनके श्राप के कारण रुक गई, नहीं तो लक्ष्मी जी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसान फिर भी नहीं माना। लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने बताया कि अगले दिन तेरस है, उस दिन अगर साफ सफाई करके घर में शाम को घी का दीपक लगाया जाए तो लक्ष्मी जी एक वर्ष तक उसी घर में निवास करती हैं। किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार सब कुछ किया, जिसके कारण उसका घर धन्य धान्य से संपन्न हो गया और तभी से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को लक्ष्मी जी की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सुनी धनतेरस की पौराणिक कथा। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। श्री मंदिर परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। नमस्कार।